नमस्कार, न्यूज वर्ल्ड इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सुमन पाल। योगी सरकार ने सपा नेता और पूर्व कैबिनेट मंत्री शिवपाल यादव की जेड कैटेगरी की सिक्योरिटी अक्टूबर 2018 में बहाल की थी और इससे पहले सरकार ने अखिलेश सरकार से जुड़े कई नेताओं की सुरक्षा घटा दी थी। शिवपाल की सुरक्षा को जे से घटाकर वाई कर दिया गया था, लेकिन कुछ दिन पहले ही शिवपाल की सीएम योगी से मुलाकात हुई थी। ऐसे में शिवपाल की जेड कैटेगरी सिक्योरिटी को बहाल किए जाने को इस मुलाकात से जोड़कर देखा गया था। नेताजी मुलायम सिंह यादव निधन के बाद चाचा शिवपाल सिंह यादव और अखिलेश यादव की करीबी बढ़ी थी और इसके साथ ही आपको बता दें कि इसके बाद शिवपाल सिंह यादव खुलकर डिंपल यादव के प्रचार करने में जुट गए हैं। राजनीतिक जानकार मानते हैं कि परिवार के एक होने की वजह से सुरक्षा में कटौती की गई है और साल 2018 के अक्टूबर में योगी सरकार ने पूर्व सीएम अखिलेश यादव की पत्नी सांसद डिंपल यादव आजम खान और एसपी महासचिव रामगोपाल यादव की जेड प्लस सिक्योरिटी को घटाकर बाइक कैटेगरी कर दिया था और इसके अलावा सपा सरकार के करीबी 100 अन्य लोगों की सुरक्षा भी वापस ले ली गई थी। हालांकि सरकार ने मुलायम सिंह यादव, अखिलेश यादव और मायावती की जेड प्लस सिक्योरिटी को जारी रखा था। और इसी खबर पर हमारे साथ है यूपी से ब्यूरो हेड दानिश वारसी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दानिश, चाचा भतीजे की मिलन के बाद ही सुरक्षा सिक्योरिटी घटाई गई है, पूरा मामला क्या है? देखिए, पहले ही अटकलें लगाई जा रही थी कि शिवपाल यादव कहीं ना कहीं अंदरूनी इंटरनल गठबंधन भाजपा से चल रहा था और ये भी अटकलें लगाई जा रही थी कि समाजवादी पार्टी के खिलाफ वो सक्रिय सदस्य के तौर पर काम करेंगे जिससे फायदा भाजपा को होगा। लेकिन मैनपुरी में नेताजी के निधन के बाद बड़े भाई और भतीजे के नाते उन्होंने अखिलेश यादव से, मैं कहता हूँ, उसका समझौता कर लिया या पारिवारिक सुलह कर लिया। उसके बाद दोनों ने समझौता करने के बाद मंच पर भी एक मंच साझा किया और ये बताने जताने की कोशिश की थी कि अपने कार्यकर्ताओं और समाजवादी पार्टी ने नेताओं से ये भी कहा कि डिंपल जी की जीत उनकी भतीजी की जीत है और आप हम लोग परिवार साथ में, नेताजी का सपना पूरा होगा। नेताजी के जाने के बाद शिवपाल यादव ने अखिलेश यादव को पूरी तरीके से, मैं कह सकता हूँ, पारिवारिक नाते के साथ भी साथ हो गए, गठबंधन के साथ भी उनके साथ, और जिताने की अपील व्यक्ति जिताना है उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है और जैसे कैसे भी बचाए। तो जब ये मामला सामने आया, इस तरीके से लोगों ने देखा और भारतीय जनता पार्टी भी इससे रूबरू हो गई थी। शिवपाल जो कभी धुर विरेधु हुआ करते थे समाजवादी पार्टी और अखिलेश से, और अब भाजपा के कहीं ना कहीं भाजपा के सक्रिय सदस्य के खिलाफ तौर पर वो काम करेंगे, यानी डिंपल की भाजपा की हार होगी और भाजपा की हार से मुझे लगता है कि शिवपाल यादव की सुरक्षा करा दी गई है और ये चेतावनी देने की का प्रयास किया गया है कि अगर अभी आप इनका साथ नहीं छोड़ा या आपने चाचा भतीजे का ख्याल रखते हुए अगर अपने भाजपा के विरोध में सुर अपनाए तो आपकी ये सुरक्षा जो वाई श्रेणी की बची, यानी जेड से तो माइनस वाई हुई है, ये वाई से भी खत्म हो सकती है। तो इस तरीके की जो अटकलें लगाई जा सकती है, इसमें वाई श्रेणी की सुरक्षा जो शिवपाल को दे दी गई, यानी जेड श्रेणी से हटा करके वाई दे दी गई, तो ये एक सुरक्षा में कमी का जो कारण है। ज्यादातर नेताओं में और राजनीतिक गलियारों में इसी बात की हलचल है कि शिवपाल का साथ आना मतलब अपनी देश सुरक्षा का खो देना है। जी दानिश, जिस तरह से इसमें अब शिवपाल यादव की सुरक्षा को घटाया गया है तो ये राजनीतिक मुद्दा जरूर पकड़ सकता है। जी, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि शिवपाल यादव देखते पहले मतभेद शिवपाल यादव के थे और मुझे लगता है कि मन भेद नेताजी के समय में हो सकते हैं, नेताजी के जाने के बाद उनके मन भेद नहीं रहे। दूसरा कारण ये भी रहा कि जिस तरीके से वो डिंपल यादव को जुटाने में लग गए और जसवंत नगर की सीट जहाँ से वो विधायक भी रहे हैं तो वो वहां पर वो मेहनत कर रहे हैं, यानी जसवंत नगर की सीट को भी प्रयास वो कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि इसको लेकर के बीजेपी में एक बौखलाहट स्थिति और केंद्र में इस चीज को देखा है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी केंद्र में भी है और अपने उत्तर प्रदेश के राज्य में भी है, इसलिए जेड को घटा करके वाई श्रेणी की सुरक्षा देने के पीछे के प्रयास जो प्रयास है वो शिवपाल यादव यानी क्या भाजपा के उनको अंदरूनी सहयोग भी नहीं है, इसलिए उनको इस चीज का खामियाजा भुगतना पड़ा है और उनको जेड कैटेगरी से वाई श्रेणी की सुरक्षा प्रदान करके एक मैं कह सकता हूँ कि शिवपाल यादव की नसीहत कर दी गई है कि अगर वो भाजपा के नहीं हो सकते तो फिर उनका उनके साथ भी शायद कहीं ना कहीं विरोधी सुर अपनाए जाएंगे जैसे भाजपा अन्य पार्टियों के साथ अपना है। जी दानिश, आप हमारे साथ बने रहिए, आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे।
उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने पुलिस उपाध्यक्ष विनोद कुमार शर्मा को अनुशासनहीनता का दोषी पाए जाने के बाद निलंबित कर दिया है और अधिकारियों ने ही सोमवार को ये जानकारी दी। ये कार्यवाही रविवार की रात को उनके खिलाफ विभागीय जांच के आदेश के आधार पर की गई थी। एक वीडियो में उन्हें सार्वजनिक रूप से नशे की हालत में दिखाया गया था। आरोपी पुलिस उपाध्यक्ष निलंबित होने के पहले ललितपुर में तैनात थे। आपको बताते चले कि गृह विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों ने पुष्टि की है कि डीएसपी शर्मा को निलंबित कर दिया गया है। उन्हें 2021 में पुलिस उपाध्यक्ष के पद पर पदोन्नत किया गया था और एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया है कि मुख्यमंत्री से उनके वरिष्ठ अधिकारियों ने शिकायत की थी। शर्मा के खिलाफ जांच की गई तो पता चला कि वो ड्यूटी के दौरान शराब के नशे में रहते हैं। आपको बताते चले कि ललितपुर में ही तैनात यातायात के क्षेत्र अधिकारी विनोद कुमार शर्मा को शासन ने अनुशासनहीनता और जनता से पुलिस की छवि को धमिल करने को लेकर ही निलंबित कर दिया है। यातायात क्षेत्र अधिकारी के निलंबित के बाद ही जानकारी लगने पर के लापरवाह पुलिस अधिकारियों में हड़कंप मच गया है। निलंबित किए गए यातायात क्षेत्र अधिकारी विनोद कुमार शर्मा को लखनऊ मुख्यालय अटैच किया गया है और पुलिस अधीक्षक गोपाल कृष्ण चौधरी ने बताया है कि शासन द्वारा ललितपुर में तैनात यातायात क्षेत्र अधिकारी विनोद कुमार शर्मा को निलंबित कर दिया गया है और उन्हें लखनऊ मुख्यालय अटैच कर दिया गया है। सूत्रों की माने तो ये भी जानकारी मिल रही है कि क्षेत्र अधिकारी विनोद कुमार शर्मा पर पुलिस की छवि को जनता में धूमिल कर दें और अनुशासनहीनता के अलावा लापरवाही के आरोप लगे थे, जिसकी जाँच की गई थी और जाँच रिपोर्ट शासन को भेजी गई है। उसी के बाद ये कार्रवाई की गई है। और इसी खबर पर हमारे साथ दानिश वारसी लगातार बने हुए हैं। दानिश, जनता में पुलिस की छवि को धूमिल करने का आरोप लग रहा है, पूरा मामला क्या है, विस्तार से बताइए। देखिए, ललितपुर के जो ये सीओ हैं, इन पर एक आरोप ये भी है कि नशे में पड़े ड्यूटी करते थे और दूसरी चीज ये पुलिस की छवि को उन्होंने जनता में धूमिल कर दिया था। वरिष्ठ अधिकारियों की जो जांच हुई और जांच में ये बात खंडितता पाई गई कि हाँ, आरोप सही साबित हुए और इनको तत्काल शासन से निलंबित कर दिया गया है। ये सीओ पर दूसरी कार्रवाई है। जब पहली कार्रवाई हुई थी तो तब मुख्यमंत्री ने खुद सीओ को दरोगा बना करके नजीर पेश की थी और अब शासन ने इनको निलंबित कर दिया है। देखिए, भ्रष्टाचार और व्यवहार पर मैं कह सकता हूँ कि लगातार पुलिस पर काम चल रहा है। एक तरफ सरकार पुलिस को पूरी तरीके से होल पावर दे करके सुरक्षा व्यवस्था के साथ उसकी साख बचाने पर लगी और दूसरी तरफ ऐसे अधिकारी साख डुबोने पर लगे जिस पर कार्रवाई की गई है। और इस कार्रवाई से एक मैसेज ये भी गया है कि घूस के साथ साथ, यानी भ्रष्टाचार करप्शन के साथ साथ, अगर कोई पुलिस अधिकारी या कोई पुलिस कर्मी किसी वर्दी के दुरुपयोग पर या वर्दी की साख पर बट्टा लगाएगा, उसके साथ साथ जनता में सरकार की छवि को धूमिल करेगा, तो उसमें जब जिस चीज पाई जाएगी तो कहीं ना कहीं इस तरीके की कार्रवाई होगी। और निलंबन की इस कार्रवाई से पुलिस विभाग में तो हड़कंप मचा ही हुआ है। साथ में जो पुलिस के दुर्व्यवहार के जो लगातार वीडियो सामने आ रहे थे, चाहे वो महिला उत्पीड़न को लेकर के हो, चाहे वो आम आदमी से लेकर के हो, चाहे शिकायतों को लेकर के हो, थानों के अंदर को लेकर के हो, उस कैप में जो मामले थे वो स्पेक्टर या दरोगा रैंक के ऊपर, अब इसका प्रभाव उन पर भी पड़ेगा। और सीओ की जो ये कार्रवाई है, ये बहुत ही सख्त कार्रवाई शासन द्वारा की गई है। सीओ पर जो कार्रवाई, दूसरी कार्रवाई है, पहली कार्रवाई में मुख्यमंत्री नजीर पेश कर दी थी सीओ को दरोगा बनाकर, और दूसरी ये कार्रवाई है जिसमें सुरेश सीओ सीओ के दुर्व्यवहार पर और दूसरी नशे में जो है वर्दी के साथ पर जो है जनता में छवि धूमिल करने के आरोप में इनको निलंबित कर दिया गया है और लखनऊ में इनको मुख्यालय से अटैच कर दिया गया है। जी दानिश, आप हमारे साथ बने रहिए, आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। उत्तर प्रदेश की रामपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव नजदीक आ रहे हैं और इस सीट सपा नेता आजम खान की विधायकी जाने से खाली हुई है। आजम खान को कोर्ट ने 3 साल जेल की सजा सुनाई है और इस बीच आजम खान ने सत्तारूढ़ बीजेपी सरकार पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कई आरोप लगाए हैं कि उन्होंने यहाँ तक कह दिया है कि बीजेपी उम्मीदवार को जीता हुआ घोषित कर दिया जाए। उन्होंने क्षेत्र में खुलेआम दहशत और भ्रष्टाचार के आरोप भी लगा दिए हैं। आजम खान ने कहा है कि हम इस बात पर विचार कर रहे हैं कि अखिलेश यादव तफ्तीश लाएं और हम उनसे यह आग्रह करेंगे कि वो इलेक्शन कमीशन से यह निवेदन करें कि भारतीय जनता पार्टी के कैबिनेट को जीता हुआ घोषित कर दिया जाए। चुनाव की क्या जरूरत है, अखिलेश यादव आने वाले ऐसे ही सूचना है और जयंत चौधरी भी आने वाले ऐसे भी सूचना है, चंद्रशेखर आजाद आने वाले ऐसे भी सूचना है। आजम खान ने आगे ये भी कह दिया, उन्होंने सवाल करते हुए ये कहा कि लोग किस बात के लिए आ रहे हैं, क्योंकि चुनाव तो यहाँ है ही नहीं।
आज की तकरीबन 50 घरों के दरवाजे तोड़े गए, सड़कों से बेगुनाहों को उठाकर ले गए और जिस भाषा का इस्तेमाल किया गया है उसमें हमारी पत्नी और इस शहर के पूर्व सांसद पूर्व विधायक को भी उन्होंने नहीं बख्शा है। हमारी पत्नी को भी ये वार्निंग दे दी गई है कि बाहर मत निकलना। महिलाओं के साथ ऐसी अभद्रता, ऐसी अमान्यता और इसके साथ ही ऐसा शर्मनाक बर्ताव हमारे ख्याल से किसी भी व्यवस्था को शोभा नहीं देता। तो रामपुर से आपको खबर बता रहे हैं जहां पर अखिलेश यादव का जिक्र करते हुए आजम खान ने बड़ा आरोप लगाया है। बता दें आपको कि रामपुर से बीजेपी कैंडिडेट को जीता हुआ घोषित कर दिया जाए ऐसा कह रहे हैं और इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि आजम खान ने ऐसा आखिर क्यों कहा है, अखिलेश यादव ये भी बात अपनी रख रहे हैं। और इसी खबर पर हमारे साथ दानिश वारसी लगातार बने हुए हैं। दानिश, मामला सामने आया है जहां पर बताया जा रहा है कि आजम खान को लेकर अखिलेश यादव का जिक्र करते हुए उन्होंने बयान दिया, ऐसा क्यों कहा है, ऐसा कह रहे हैं? देखिए, समाजवादी पार्टी के जो नेता, मैं कह सकता हूँ आजम खान साहब अपने बयानों से ही जाने जाते हैं और उनका कद भी समाजवादी पार्टी में एक उप मुख्यमंत्री या मुख्यमंत्री के सहयोगी के बराबर है। और दूसरी चीज, जो उन्होंने आज बयान दिया है, उन्होंने सीधे सीधे निर्वाचन आयोग पे और सत्ता पटल पे निशाना साधते हुए ये कह दिया है कि अखिलेश यादव विधानसभा क्षेत्र में आ रहे हैं और चंद्रशेखर आजाद रावण भी आ रहे हैं। मुझे नहीं पता ये क्यों आ रहे हैं, क्या जरूरत है इनके आने की, जब यहाँ पर पुलिस उत्पीड़न कर रही है, उनको अंदर ही नहीं जाने दिया जाएगा, बूथ स्तर कैप्चर कर लिए जाएंगे। और दूसरी चीज, वहाँ पर जो पुलिस जो है दरवाजे को पीट 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 करके रात रात में जो जनता है वहाँ की वोट डालने के लिए समर्थक है उनको उत्पीड़न कर रही है, उनको डरा धमका रही है, जब दबाव बनाया जा रहा है। और जिस तरीके से पुलिस के गश्त में हजारों यानी सैकड़ों पुलिसकर्मी जो गश्त कर रहे हैं उसके कहीं ना कहीं भय बन रहा है, तो इसलिए उन्होंने सीधे सीधे तौर पर ये बात कह दी है कि मैं अखिलेश यादव से साथ साथ चुनाव आयोग से भी अपील मांग करता हूँ कि वो इस चुनाव को जीता हुआ घोषित कर दें बीजेपी के प्रत्याशी को, यानी निर्विरोध कर दें, क्योंकि जीत उनके खाते में इसलिए नहीं आ पाएगी कि यहाँ पर शायद निष्पक्ष चुनाव ईमानदारी से नहीं हो पाएंगे और पुलिस के उत्पीड़न के चलते या पुलिस के भय और खौफ के चलते लोग मतदान डालने के लिए विवश है, क्योंकि लोग मतदान डालते हुए डरेंगे और वो अपना मत नहीं कर पाएंगे, जिस कारण उन्होंने निर्वाचन आयोग के साथ साथ अखिलेश यादव चंद्रशेखर रावण से अपील करते हुए निर्वाचन आयोग के सहारे सत्ता पक्ष पर निशाना साधा है। जी दानिश, आप हमारे साथ बने रहिए, आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। यूपी के जौनपुर से बसपा सांसद श्याम सिंह यादव अपने बयानों को लेकर अक्सर चर्चा में रहते हैं और इस बार मोबाइल फोन पर बातचीत का एक ऑडियो वायरल हो रहा है। ये ऑडियो सांसद श्याम सिंह यादव का बताया जा रहा है और इस ऑडियो में विपक्षा के तत्कालीन एसओ को धमकाते हुए सुनाई भी दे रहे हैं। आपको बता दें कि सांसद कहते हुए दिखाई दे रहे हैं, इसमें सुनाई देते हैं कि यूपी में ठाकुरों की सरकार है तो क्या मनमानी करोगे, और इस पर एसओ ने भी दो टूक कह दिया है कि सांसद जी जो करना है कर लीजिए, मामला इसी साल के शुरुआती महीने का है। बक्सा थाना क्षेत्र के एक गांव में आबादी की जमीन को लेकर विवाद चल रहा है और इसको लेकर मारपीट हुई तो पुलिस ने दोनों पक्षों को थाने बुलाया और एक पक्ष से पुलिस टीम की तूतू मैमै हो गई और इस पर पुलिस ने दोनों पक्षों को शांति भंग करने का आरोप में चालान भेज दिया है। आपको बता दें कि इसके बाद एक पक्ष ने सांसद श्याम सिंह यादव के पास जाकर आरोप लगाया कि एसओ ने उनके साथ दुर्व्यवहार किया है और चश्मा तोड़ दिया। शिकायत मिलते ही सांसद का पारा गर्म हो गया, उन्होंने बक्सा थानेदार को फोन लगाकर डांटना शुरू कर दिया। सांसद ने कहा कि ठाकुरों की सरकार है तो क्या जो मन में आएगा वो करोगे, एकदम से छुट्टा हो गए हो, किसी का भी मोबाइल छीन लोगे और चश्मा तोड़ दोगे, बहुत हुए गुजरे हो गए हैं और मैं तुम्हारे खिलाफ लेटर लिखूंगा। इस पर एसओ ने भी खरी खोटी सुनाई है, तीखे लफ्जों में कहा कि आपसे बड़ा गुजरा कौन है जो वोट की राजनीति करता है, जो करना है कर लीजिए, जो अंजाम होगा वो देखा जाएगा। और इसी खबर पर हमारे साथ लगातार बने हुए हैं दानिश वारसी। और दानिश वारसी, जिस तरह से मामला सामने आया, बसपा सांसद का एक ऑडियो वायरल हो रहा है, पूरा मामला क्या है विस्तार से बताइए। देखिए, जौनपुर का एक पत्र है और जिसका सांसद है श्याम सिंह यादव, जिनकी वार्ता वहाँ के निरीक्षक से हो रही थी और उन्होंने ये बात कही थी कि शिकायत को लेकर के उन्होंने ये कहा था सीधे पुलिस से कि एक शिकायत हमारे पास है जिसमें आप किसी वृद्ध को मारेंगे, मोबाइल छीन लेंगे और उसका चश्मा तोड़ देंगे, इस तरीके की घटना कतई बर्दाश्त नहीं की जाएगी और ये आप गलत कर रहे हैं।
तो जिस तरीके उसका जो जवाब आता है वहाँ के जो पुलिसकर्मी है उनका कहना है कि ये तो आरोप है, इसकी कोई जांच नहीं है, आपके पास कोई फुटेज या कुछ कोई प्रूफ है, ये आरोप है, बोला गया सांसद से। तो सांसद ने इस बात से उन पर ये सीधा बोला है कि अगर ठाकुरों की सरकार है तो तुम अपनी मनमानी नहीं कर सकते हो, तो ये मतलब जो जातिवाद के उन्होंने जो लांछन लगा दिया है, मैं कह सकता हूँ आरोप लगा दिया है, इस आरोप में कितनी सच्चाई है ये तो उस ऑडियो में आपको सुनने को मिलेगा, जिसमें ये ऑडियो जिसमें लगातार जो ऑडियो वायरल हो रही है उस ऑडियो में ये बात कही जा रही थी कि ठाकुरवाद का नाम उसमें लिया गया कि आप ठाकुर हो करके, मतलब ठाकुरों की सरकार में आप ठाकुरवाद के तहत ये चीजें हम मनमानी नहीं कर सकते। तो इससे कहने का एक बात सामने आ रही है, क्या उत्तर प्रदेश के अंदर वाकई में ठाकुर लॉबी चल रही है, या उत्तर प्रदेश में वाकई में ठाकुरों को लेकर के कोई मंथन चल रहा है, या उत्तर प्रदेश में जो तैनाती है क्या वाकई में उनको ठाकुर होने का फायदा मिल रहा है, या वो मनमानी कर रहे हैं, इस आरोप में क्या सच्चाई है ये तो सांसद जी बताएंगे, या जांच में पता चलेगा, या फिर ऐसा कौन सा उनके पास ऐसा आरोप का खंडन है जिससे उन्होंने ये बात कहकर के उन्होंने एक आरोप लगा दिया है, और इस आरोप में क्या सच्चाई, क्या किसी थाने के अंदर किसी ठाकुर की तैनाती होना एक अपराध है, या वहां कप्तान का ठाकुर होना अपराध है, या ठाकुर होने के बाद मनमानी करने का अपराध है, और उस मनमानी के तहत ठाकुर होने पर उनको संरक्षण सत्ता का अपराध होने का अधिकार है, इसके तहत इन्होंने एक आरोप लगा दिया, और ये आरोप में कितनी सच्चाई है। हालांकि इस ऑडियो से कहीं ना कहीं राजनीतिक गलियारों में उबाल आ गया है, और उबाल के साथ साथ विपक्षी पार्टी जो है उसको भी एक ताजा तरीन मुद्दा मिल गया, और मुद्दे के पीछे की जो कहानी ये है वो ये है कि आखिर उत्तर प्रदेश के अंदर ये ठाकुरवाद क्यों चल रहा है, क्या ठाकुरवाद पर कोई संशय बना हुआ है, या वाकई में थाने से लेकर के दरोगा तक कप्तान तक केवल ठाकुर सीरियल वाइज चलेंगे, आखिर सांसद ने ये बात क्यों कही है, और अगर सांसद ने ये बात कही है तो उसके पीछे का तर्क क्या है, क्या वाकई में वहाँ के थानेदार ने महिला बुजुर्ग के साथ अभद्रता की, उसका चश्मा तोड़ा या मोबाइल तोड़ा, या ये आरोप था, और आरोप था तो फिर उसके बाद सांसद आप बबूला क्यों हुए, आप बबूला होने के बाद उन्होंने ये भी कही है कि सदा सत्ता एक पक्ष में नहीं रहती है, कभी सत्ता बदलती भी है, तो क्या उनका कहने का मकसद सिर्फ इतना है कि अगर अभी सत्ता ठाकुरों की है और अगर आप ठाकुर हैं तो आप मनमानी नहीं कर सकते हैं। जी दानिश, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अहम जानकारी देने के लिए। मथुरा की सांसद अभिनेत्री हेमा मालिनी गोवर्धन पहुंची, और जहां सांसद ने राष्ट्रीय महिला तीरंदाजी प्रतियोगिता में शिरकत की है, साथ ही उन्होंने वहां खिलाड़ियों का हौसला भी बढ़ाया है। बताया दें आपको कि तीरंदाजी प्रतियोगिता में देश के कोने कोने से महिला खिलाड़ी पहुंची हैं, और सांसद हेमा मालिनी ने खेल की शुरुआत भगवान रामचंद्र के फोटो के सामने दीप प्रज्वलित करने के बाद की है, और साथ ही सांसद ने खिलाड़ियों को संबोधित भी किया है। प्रयागराज के दाबाद बाजार में मौजूद शाही मस्जिद को उच्च न्यायालय से ही राहत मिली है, आपको नहीं मिल पाई है, आपको बता दें कि जिसके बाद इसका जल्द से ध्वस्तीकरण होगा, जिसको लेकर उप जिलाधिकारी हंडिया रमेश चंद्र मौर्य ने मस्जिद के इमाम को बताया है कि कोई वैकल्पिक व्यवस्था पर ले, और बता दें आपको कि अंदावा तिराहे से लेकर इंडिया गेट जीटी रोड का चौड़ीकरण को लेकर ही कार्य किया जा रहा है, चौड़ीकरण के कार्य में ही सैदाबाद बाजार में मौजूद शाही मस्जिद आड़े आ रही है, इसको लेकर लोक निर्माण विभाग प्रयागराज ने शाही मस्जिद के इमाम को नोटिस दिया था कि मस्जिद लोक निर्माण विभाग की जमीन पर और इसका व्यवस्थीकरण किया जाएगा, इसको लेकर मस्जिद के इमाम के ने ही उच्च अधिकारी और इसके साथ ही न्यायालय इलाहाबाद में ही याचिका दायर किया था, और मस्जिद को नहीं गिराए जाने की मांग भी की गई थी। ये मस्जिद का मामला नहीं है, ये आपका जनपद प्रयागराज में, ये जो प्रयागराज से सैदाबाद होते हुए वाराणसी मार्ग है ये चौड़ीकरण में आया हुआ है, और यहाँ पर जो मस्जिद है वह सड़क भूमि पे स्थित है। इस मस्जिद के आज जो कमेटी के जो नुमाइंदे हैं, मुतवल्ली हैं और अन्य उनके जो सहयोगी सदस्य हैं, आज उनसे हम इसको विचार विमर्श करने आए थे कि इस मस्जिद के विकल्प के रूप में आप रास्ता निकालें, क्योंकि यह जो मस्जिद जिस स्थान पे बनी है वो सरकार की लैंड है और ये अवैध रूप से है, सड़क चौड़ाईकरण में ये बाधा के रूप में है। सर, स्थानीय लोगों की कुछ मांग है, जैसे कि पता चला देखें विकास कार्य में कि हर बाधाओं को सरकार और शासन के प्राथमिकता है कि बाधाओं को दूर किया जाए। रोड चौड़ीकरण के मामले में इन्होंने इत्तला देने आए थे कि आपकी मस्जिद TPWD बनी हुई है,
आप इसे हटा लें, जैसा कि हम लोग इस मामले को लेकर कोर्ट में भी गए हुए हैं और कोर्ट में अपनी बातें भी रखी हैं, कोर्ट ने हमारी बात सुनने के लिए भी कहा है और कुछ हमारी पिटीशन खारिज भी हुई है, लेकिन अभी हमारा मामला कोर्ट में चल रहा है। हम उस बारे में भी हम इंतज़ार करेंगे और SDM साहब आए, उनकी बातों का भी सम्मान करेंगे, कानून का भी सम्मान करेंगे और इस बात को ध्यान में रखते हुए हम ये शासन से भी डिमांड करेंगे कि हमारी मस्जिद को हटाने में अगर इनको आवश्यकता है तो हमें कुछ वैकल्पिक व्यवस्था देने की भी कोशिश करें। शासन से, सरकार से भी मेरी ये रिक्वेस्ट है, ये निवेदन है कि एक बहुत बड़ी आबादी, बहुत बड़ा एरिया है जो नमाज में यहाँ अदा करता है और सारी नमाजें यहाँ अदा होती हैं, उसको ध्यान में रखते हुए इस कार्य को आगे करें तो हमें और सबको असहज नहीं होगा। मथुरा में यमुना एक्सप्रेसवे पर भीषण हादसा हो गया है और जिसमें मैक्स पिकअप और कार की टक्कर में 2 लोगों की मौत हो गई है और साथ ही 5 लोग गंभीर रूप से घायल भी हो गए हैं। सूचना मिलने पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया है, साथ ही पुलिस ने मृतकों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भी भेज दिया है। हरदोई के बेहटा गोकुल थाना क्षेत्र के ही एक गांव में युवक और युवती ने घर के अंदर खुदकुशी कर ली है। मामला प्रेम प्रसंग का बताया जा रहा है। आपको बता दें कि युवती की 2 दिसंबर की शादी थी और घटना की सूचना पाकर स्थानीय पुलिस और SP मौके पर पहुंचे और पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं SP ने बताया है कि मामला प्रेम प्रसंग का बताया जा रहा है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट और तहरीर के आधार पर कार्रवाई की जा रही है। ये ग्राम चंदेपुर खैराई है, थाना बेहटा गोकुल का। इसमें प्रातः एक लड़का एक लड़की कंधे से लटके हुए पाए गए हैं लड़की के चाचा के घर में। प्रेम संबंध का मामला लग रहा है, बॉडी पोस्टमार्टम के लिए भेज दी गई है और अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाएगी पोस्टमार्टम रिपोर्ट के हिसाब से। सीतापुर में ग्राम प्रधान को गलत मुकदमे में फंसाने का पत्नी ने आरोप लगाया है। दरअसल पूरा मामला थाना खेराबाद इलाके के मीर नगर गांव का बताया जा रहा है। प्रधान पत्नी ग्रामीणों के साथ पहुंची पुलिस अधीक्षक कार्यालय लगाई उन्होंने गुहार है। उन्होंने कहा कि गांव की ही महिला ने दर्ज कराया दुष्कर्म का मामला और प्रधान पत्नी ग्रामीण के साथ पहुंची पुलिस कार्यालय में पहुंची है और बताया यह भी जा रहा है कि जिस तारीख में महिला द्वारा आरोप लगाया गया है उस दिन मेरे घर पर मुंडन का कार्यक्रम था, अखंड किया जा रहा था और सभी रिश्तेदार और गांव के लोग मौजूद थे, जिसका वीडियो कैसेट और CCTV फुटेज भी मौजूद है और मेरे पति को चुनावी रंजिश के चलते फंसाया जा रहा है। इसी को लेकर प्रधान पत्नी ने पुलिस अधीक्षक से न्याय की गुहार लगाई है और कहा है कि मामले की जांच कर उचित कार्रवाई की जाए और दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। समस्या ये लेकर आई हूँ कि हमारे हस्बैंड को गलत फंसाया जा रहा है। हाँ। और वो प्रधान हैं गांव के, 2 साल पहले उन्होंने गांव में मतलब फैसला करवाया था जमीन का, वो भी SC कास्ट के ही थे, गांव के हमारे कोटेदार, तो उनका फैसला था उसी जमीन के विवाद में इन्होंने फैसला कराया, जो वसीत था वो करवा दिया, इसी वजह से वो रंजिश मानने लगे, इसलिए हमारे हस्बैंड को इन्होंने गलत आरोप में फंसाया है। क्योंकि जिस दिन इन्होंने आरोप लगाया है उस दिन हमारे घर में कार्यक्रम था, मुंडन था, वो हमारे साथी थे और हमारे परिवार के लोग, अगर मोहल्ले के लोग, सारे लोग खैराबाद में ही उपस्थित थे और वहाँ पे जो गांव में थे, गांव के लोग, वहाँ ताला लगा हुआ था, गांव में कोई था ही नहीं। तो आप क्या चाहते हैं? मैं चाहती हूँ कि सर से कि जो न्याय है उसको सही जा के हमको, हमारे हस्बैंड को न्याय चाहिए। सिकंदरा राव की GT रोड पर मंडी समिति के पास गैस से भरा टैंकर पलट गया है और टैंकर में से गैस का रिसाव होने लगा, जिसके बाद टैंकर पलटने से इलाके में हड़कंप मच गया है। सूचना पर इलाके की पुलिस ने पहुंचकर GT रोड पर आवागमन ब्लॉक किया है। भारत गैस के सलेमपुर में मौजूद बॉटलिंग प्लांट के ही इंजीनियरों की टीम ने मौके पर पहुंची है और अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियाँ भी मौके पर पहुंची हैं। और इसी खबर पर हमारे साथ हाथरस से संवाददाता दीपेश ठाकुर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दीपेश, गैस से भरा टैंकर पलट गया है, पूरा मामला क्या है? जी, तो मैंने आपको बता दी कि पूरा मामला जो है सिकंदरा राव थाना क्षेत्र का है,
जहाँ दिल्ली और इंदौर में बीती रोड पर अचानक एक जो कैप्सूल होता है गैस के वहां पलट गया था और उसके पलट जाने से क्षेत्र में जो हड़कंप मचा उसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने बाकी व्यवस्था को देखा है और गैस प्लांट जो सलेंटर का है वहां से इंजीनियर भी पहुंचे हैं और फायर ब्रिगेड भी पहुंचा है और उसके बाद में अभी व्यवस्थाएं जारी है। काफी देर तक वहाँ जाम लगा हुआ है, ये स्थिति अभी तक बनी हुई है। सुनवाई जी दीपेश, इस घटना में किसी जनहानि की कोई खबर सामने तो नहीं आई है? नहीं तमन, अभी मैं आपको बता दूं कि ऐसा कोई भी संज्ञान नहीं आया है कि कोई जनहानि हुई है, ना तो ड्राइवर के चोट है ना कंडक्टर के, बाकी सब नॉर्मल है, लेकिन पुलिस ने मौके पर पहुंच कर व्यवस्था बनाई रखी। जी दीपेश, इस पूरी घटना में जो नुकसान हुआ है वो कितना नुकसान बताया जा रहा है? जी सुमन, मैं बता दूँ नुकसान को लेकर अभी तक कोई नुकसान नहीं, क्योंकि टेंटर भी पलटा है और किसी से टकराया वकराया भी नहीं, लोग उसी के चलते जो वहाँ पे लोग हैं तो उसमें से गैस की अवस्था है, उसको लेकर लोगों में हल्का जरूर मचा था, लेकिन मौके पर लोगों ने फायर ब्रिगेड और इंस्पेक्टर पहुंचे हैं और पुलिस ने पूरी व्यवस्था बनाए रखी है। जी दीपेश, टैंकर पलटने का क्या कुछ कारण सामने अभी तक आ पाया है? ये बताया नहीं जा रहा है कि टायर जो ड्राइवर से ली गई लीड के चलते फलता है, तो उनका अचानक ब्रेक लगी और वो कैप्सूल जो है सड़क पर पलट गया, जिससे सड़क पूरी तरह से जाम हो चुकी थी। जी दीपेश, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अहम जानकारी के लिए। तो आपको हाथरस से खबर बता रहे हैं जहां पर गैस से भरा टैंकर पलट गया है। बताया जा रहा है कि ड्राइवर को नींद के कारण यह बड़ा हादसा होते होते बच गया और बताया ये भी जा रहा है कि हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।